कांग्रेस विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक बैंक कर्मी को भरी भीड़ के सामने तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया, लेकिन विधायक जी की ये करतूत वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर क्या था, विधायक जी की थू थू होने लगी। पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का, जहां रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने सहकारी बैंक के कर्मचारी को सरेआम पीट दिया। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस विधायक हताश हो गए हैं और वो जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय पीट रहे हैं। आज कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरीके से आम आदमी को सरेआम उसकी पिटाई की, उसको लात घूसों से मारा, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस के विधायक कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, इसके कारण से झुंझलाहट में, बौखलाहट में वो आम व्यक्ति को मारपीट करने पे उतारू हैं, हिंसक हो गए हैं। कांग्रेस विधायक के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बैंक कर्मचारी विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बैंक को दो दिन बंद करने का इन्होंने फैसला भी लिया है। हमारे रामानुजगंज ब्रांच जो झारखंड की सीमा पर स्थित है, वहाँ के कर्मचारी राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा वितरण कर रहे थे, शाखा में पदस्थ कर्मचारी, और वहाँ पे विधायक जी अचानक पहुँचते हैं, कर्मचारियों को बाहर बुलाते हैं और उनसे मारपीट करते हैं, जिससे संपूर्ण कर्मचारी जगत को काफ़ी ठेस पहुँची है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हुए विधायक के ऊपर होने वाली उचित कार्यवाही की मांग करते हैं। और हमने अभी जो निर्णय लिया है उसके अनुसार हम दो दिन बैंक को बंद रखेंगे, सभी शाखाएं, पांचों जिले की सभी शाखाएं बंद रहेंगी। यदि विधायक पर कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन उग्र रूप लेगा और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया है। वायरल वीडियो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज केंद्रीय बैंक शाखा का बताया जा रहा है। आरोप है कि पैसे निकालने के विवाद पर विधायक ने केंद्रीय बैंक समिति के ऑपरेटर और गार्ड के साथ पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी। पूरा वीडियो 3 अप्रैल का है जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले पर बृहस्पति सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बलरामपुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।